ये देखिए मैं किचन में आ चुकी हूँ और मैं बनाने जा रही हूँ आलू की भुजिया सब्जी। और एक सब्जी और है मेरे पास, लेकिन मैं आलू की भुजिया बना रही हूँ। कढ़ाई आप लोग देख के अंदाज़ा लगा ले रहे होंगे कि ये एक बार इसमें सब्जी बन चुकी है, करेले की सब्जी बनी है और देव के बाबा खा के जा चुके हैं। उनको लिए करेले की सब्जी, रोटी दही दे दिया गया है, खा लिए थे, चले गए हैं। और अभी हम लोग हैं तो देव के लिए क्या बन रहा है, देव के लिए आलू की भुजिया बनेगी। एक बार देव छोटू दोनों नाश्ता करेंगे और फिर एक सब्जी और है हमको बनाने के लिए, जो हम कुकर इधर रखे हैं और उसको बनाएंगे, तो उससे हम लोग चावल खाएंगे, इससे रोटी पराठा जो भी इन लोग को खाना होगा छोटू देव खा लेंगे। तो ये है आलू की भुजिया, अब बारी आ रही है इसको होने दे रहे हैं, तब तक उसको भी देख ले रहे हैं। ये दे इसको, यहाँ बंडा बोलते हैं और जगह क्या कहते हैं मुझको नहीं पता, ये ज़्यादा इधर ही दिख रहा है। हमारे यहाँ भी प्रयागराज में भी ये ज़्यादा नहीं दिखता, बहुत छोटा छोटा गोल गोल सा रहता है, इधर तो बड़े बड़े लंबे लंबे होते हैं। ये मैंने मसाला पीस लिया कि इसके ग्रेवी के लिए कुछ मसाला चाहिए होता है ना, तो मिक्सर चला रहे हैं। देव भी उसी में हाथ लगा रहा है, इधर उधर कर रहा है। आज की वीडियो देव ही बना रहा है, इसमें मैंने डाल दिया पंचफोरन। अब इसके बाद है पड़ रहा है ये सब्जी, सब्जी को मैंने अच्छे तरीके से भूना है। भूनने के बाद जो भी मेरे पास मसाला है मैं डाल दे रही हूँ। ये आलू की भुजिया को भी ऊपर नीचे चला के बराबर से ढकना है, ताकि आजकल की इस टाइम की आलू की भुजिया बड़ी अच्छी बनती है, एकदम कुरकुरी सी। ये भी है तल गया है करीब करीब। अब मैं, ये आ गया है किचन की सफाई, खाना मेरा बन चुका था। आज मेरे यहाँ पूजा एक होने वाली है, जो नागपंचमी के दो दिन एक दिन पहले जो भी होता है चढ़ती है, चढ़ता है पूजा, तो मैं उसकी वजह से ये सारा साफ़ सफाई किचन एकदम अच्छे से साफ़ करूँगी। होता तो रोज़ ही है, पर इस तरीके की सफ़ाई रोज़ की नहीं होती है, तो मैंने कहा कि मैं क्यों ना सारा निकाल के बाहर लाई हूँ। बहुत ज़्यादा हो गया था ये जो भी डिब्बा सिब्बा है किचन का, तो मैं मसाले का डिब्बा है ये जो मैं साफ़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से सारा सामान निकाल निकाल सारा किचन का डिब्बा वगैरह साफ हुआ है, फिर से किचन में मैंने सारा सामान सेट कर दिया है, नहा हुआ है, आज पूजा हुआ, पूजा होने वाली है, आ चुकी है, होने वाली क्या है हो ही गई है करीब करीब। वीडियो में डिब्बा वब्बा धुलने के बाद थोड़ा ब्रेक कर दी थी, सोने लगी थी, क्योंकि खाना बन चुका, सारा काम एक साथ करने में मुझको परेशानी तो हो ही जाती है, अकेले आदमी तो छोटू है, थोड़ा बहुत हेल्प कर देता है, देव तो बिल्कुल नहीं करता है, तो अजीब सा है। पर अब मैं नहीं जाती हूँ, तो छोटू हेल्प कर देता है, तो देव नहीं करता, उसको नहीं इंटरेस्ट है इन सब कामों में, छोटू है तो मेरा हर काम करवा लेता है मेरे साथ घर पे ही। तो पूजा मेरी आज नागपंचमी के पहले जो पूजा वहाँ चलती है, माता काली को हल्दी छड़ी है, सामान दे देती हूँ, लेके चली। मैंने हलवा बनाया है, हलवा आटे का हलवा चढ़ता है, आटे का हलवा है, आटे का पूड़ी है, पूड़ी हलवा दे छोटू को, मैंने पूजा का सामान दे दिया है। मैं नहीं जाती हूँ, मेरा मन नहीं करता खाने, पहले मैं ही जाती थी खाना बना, जब से उसकी दादी नहीं है, पर सब्जी मेरा मन नहीं करता है, मैं दो तीन साल से नहीं जा रही हूँ। हिसाब करके अभी जाऊँगी भी नहीं, मेरा एकदम कुछ भी नहीं, किसी से कैसे क्या बताऊँ। इधर दूध भी मेरा उबल रहा है, दूध रखे गर्म होने के लिए, उबल जाएगा तो इसमें, ये दूध गर्म हो जाएगा तो इसमें होगा क्या, जमावन पड़ेगा, जमावन मतलब दही जमा बनाना है, जब दही खाने वाले हैं लोग तो दही तो बनाना पड़ेगा। अभी मेरा ये मसाला वसाला सब ऐसे ही पड़ा है, मैंने इसको डिब्बे में नहीं रखा है, वाला डिब्बा ये सब का मसाला सब बाहर ही पड़ा है, टाइम ही नहीं मिला ना, निकाल के साफ किया, कपड़ा भी धुला गया वजह से थोड़ा सा ना, और ये सब भी ज़्यादा अच्छे से साफ सफाई होती है, इसमें भी सफाई होती नहीं है, और मेरा गंदा भी हुआ था, ये नहीं है कि मैं सिर्फ इसकी वजह से आई हूँ, कई दिन से सोच भी रहे थे, तो फिर आज हमको ऐसा लगा कि मौका जब है तो कर देना चाहिए, तो कर दिए।
और ये नहीं है कि मतलब पूजा की वजह से ही नहीं हुआ है। रख देती हूँ और ऐसा करके शुरू करती हूँ। तो एक हाथ से ऊपर आ रहा था दूध को, मोबाइल ना पापड़ के काम नहीं हो पाता है कि मतलब मोबाइल भी हो जाए लिए रखकर काम भी करें फ्री करके सबका एक साथ कैसे करेगा आदमी। कुछ तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होना पड़ेगा ना। मैं सब खाली करके दिला क्योंकि बरसात की वजह से जब थोड़ा सा इधर उधर गिर जाता है तो फिर जाएगा। अभी ऐसे ही काम चल रहा है जब तक चल रहा है तब तक हर चीज पैसे की होने वाला है। और मेथी है मेरे पास, मैं करके रख देती हूँ थोड़ा थोड़ा इसी चीज़ में। जैसे कोई ऐसी सब्जी है जिसमें मेथी डालना ही है कोई ऐसी सब्जी होती है तो उसमें मेथी से ही तड़का मारा जाता है। तैयार हो चुका है। इतने बर्तन फिर खराब हुए हैं, इनको साफ करना है, इसको वापस यहीं पे रखना है। अभी सब्जी की तैयारी नहीं हुई, पूड़ी हलवा तो बन गया है और पूड़ी मैंने उतना बना लिया है जितना सबको खाना है। अब देखते हैं देव क्या खाएंगे। देव को मतलब सब्जी में भी कुछ अलग ही चाहिए। देव सब सब्जी नहीं खाता है, छोटू तो खा ही लेता है। ऐसे ही देव थोड़ा परेशान कर रहा है खाने पीने में। देखते शाम हो जाती है, दूध गर्म हो गया ना इसमें, फिर इसको बंद कर देते नहीं भूल जाएंगे तो जल जाएगा। मतलब कुछ अलग सा एक काम हो जाता है ना कि भगवान के पास आना। भगवान जी वैसे बैठे होते हैं तो फिर उनके पास सफाई वफाई करके नहा के ये कपड़ा डाला था, वही बता रही हूँ मैं कि मैं नहा के कपड़ा डाली हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब बाहर की आवाज़ आने लगती है इसमें, पंखे की या कुछ और, तो इसके वजह से मैंने कल अपनी वीडियो अपने खुद सुना तो मुझको लगा कि नहीं इसमें ज़्यादा ही आवाज़ आ रही है, इसको मुझे कुछ अब करना पड़ेगा। तो फिर हम देव से कहेंगे इसको म्यूट करके बनाओ। अब मैं मंदिर के पास आई हूँ भगवान जी का कुछ। ये छोटू गया था ना बताया नहीं पूजा करने, तो वैसे ही ला के रख दिया था मशीन पे मेरे। तो भाई मैं कही हूँ कि देखो ये मशीन पे ला के रख दिया, हटाया नहीं। शाम का मेरा दीपक उपक हो गया। भगवान जी की शाम की आरती होती है, भोग लगता है, उसके बाद से फिर एक जगह मतलब शाम की जो संध्या होती है डेली वाली उसको भी मैंने कर दिया है। यहाँ मंदिर से फिर वहाँ जाती हूँ बाहर, बाहर से फिर दो तीन दीपक इस टाइम में जला रही हूँ तीन जगह अभी। तो ये देखिए ये मेरी शाम वाली है जो दरवाजे पे जलाई जाती है, फिर तीसरी दीपक मेरी ये है। मैं अभी शुरू की हूँ यहाँ पे भी कि कुछ हो जाए तो अच्छा है ना, जितना हो सके। बहुत लोग यहाँ मंदिर जाते हैं वहाँ पूजा पाठ में, घर पे ही थोड़ा मोड़ा जो समझ में आता है कर लेती हूँ। मुझको मन उन तो नहीं करता है पूजा पाठ करने के लिए। मैं कमरे में आ चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है, फिर बैठ के मुझको बातें करनी थी। वही मैं बात में ये बता रही हूँ आप लोगों को कि वीडियो आप लोग नहीं देख रहे हैं, वीडियो देख लिया करिए। वीडियो देखने से ही मेरा आगे चैनल जाएगा, वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर मेरा सब कुछ डाउन 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 चला जाएगा, तो फिर बहुत ही दिक्कत होगी क्योंकि चैनल मोनोटाइज हो चुका है। और एक बात मुझे शायद आप लोगों से और मैंने शेयर किया है इसमें कि किसी ने कमेंट किया था मुझको कि क्या ज़रूरत है आपको वीडियो बनाने के लिए, तो मैं उनके लिए कह रही थी कि मुझको ज़रूरत है वीडियो बनाने के लिए, आपको दिक्कत क्यों हो रही है। मैंने ज़रूरत समझा तभी वीडियो बनाया। और मैं वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ आप होते कौन हैं या होती कौन है मुझको समझाने वाली, मुझको नहीं पता है कि वो
कौन है। तो इस तरीके से अच्छा नहीं लगता है ना कि कोई बीच में आके टोका रोका करे। तो वही मैं कह रही थी कि ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, ऐसे ऐसे लोग कहते हैं, तो वही सारी बातें मैं कह रही हूँ कि आप लोग इस तरीके से ना करा करें, ना मैसेज किया करें, मेरे मनोबल को तोड़िए मत, बढ़ाइए कि मैं आगे जाऊँ और कुछ करूँ। तो यही मैं अपने लोगों से भी कही हूँ, दूसरे से भी कह रही हूँ कि अगर मेरा कोई वीडियो गलत जा रहा है तो आप लोग रोका टोकी करें, लेकिन अगर मैं सही काम कर रही हूँ तो फिर आप लोग मेरा सपोर्ट करें, ना कि मुझे हर्ट करके नीचे गिराएं। और रही बात मेरी ही नहीं, कमेंट वमेंट पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ, क्योंकि जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो कमेंट को एकदम इग्नोर करने के लिए कहते हैं। और मैं देखती भी हूँ कि अच्छे अच्छे जो ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, उनके लिए तो इतना गंदा कमेंट इतना लोग बोलते हैं, मेरा तो अभी सही ही चल रहा है, मेरा तो सही चल रहा है। 100 में 1 तो आ ही जाते हैं भाई सबके लिए, तो मेरे लिए मैं कोई स्पेशल तो हूँ नहीं, तो आएगा ही ये सब, मैं बर्दाश्त भी करूँगी, झेलूँगी, पर हमेशा हमेशा एक ही इंसान का जब कमेंट आएगा तो फिर बुरा लगेगा ना। तो मैं वही सारी बात कह रही हूँ कि आप लोग अगर वीडियो पे आते हैं तो वीडियो भी देखा करें, वीडियो नहीं भी अच्छी लगे तो वीडियो को चला के रख दिया करें, ताकि मुझको हावर्स की ज़रूरत है। हावर्स मेरा हालांकि मोनोटाइज के लिए तो पूरा हो चुका है, लेकिन अभी मुझको जो ये डॉलर $100 पूरा करना होता है, अभी मेरा $5 भी नहीं बना है, $6 भी नहीं बना है, तो बनेगा नहीं तो फिर कैसे मेरा काम होगा। व्यूज़ मेरा 25, 30, 20 ऐसे आ रहा है, इतना तो शुरू में मेरा व्यूज़ नहीं आ रहा था। आप लोग को देखा भी करें कि कितने कम व्यूज़ आ रहे हैं, 4,000-4,500 पब्लिक होने के बाद अगर ये सब चलेगा तो फिर नहीं समझ में आता है। तो फिर प्लीज़ चैनल पे आप लोग न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।